हमारी ये ऐसी जैसे अंदर से हवा का निकल पाना तो वो एक साधना की चीज़ है, जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो गई। जो इन्होंने कहा वो बहुत कुछ आपको दे दिया, आप अभी नहीं थोड़ा टाइम लगेगा उसमें आप रियलाइज करोगे कि हाँ मेरे को अभी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये चीज़ होती है कि जैसे ये इस टाइम काम कर रहे हैं, संत के रूप में ही काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर फीलिंग्स की डिवेलपमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे हमारे अंदर सभी को अपने अंदर संभालने की क्षमता हो, सभी के दुख को ले लेने की क्षमता हो, और फिर इतने ब्रॉड उसी में आनंद हो जाता है। तो यहाँ हमारा ये है कि जैसे इनकी सुविधा हो, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, आपको नहीं देख रहे थे, मैं देख रही थी कि कैसे कैसे बिल्कुल आपकी आपको चाह रहे थे कि बिल्कुल शुद्धिकरण हो। तो इसलिए हम सबके अंदर सिर्फ एक धन्यवाद भाव होना चाहिए कि हमारे कर्म जागृत हुए, भगवान ने एक संत से मिलाया, हमारे जो अंदर के जो विकार थे बहुत सारे विकार जो बाहर आ रहे हैं और हम शुद्धिकरण की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे ये कलाएं अपने आप विकसित होती जाएंगी, इनकी कृपा फिर भी बनेगी, फिर भी आएंगे। ये हम कहेंगे कि जैसे जैसे इनको सुविधा हो वैसे वैसे ये हमारे ऊपर कृपा करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कहाँ से हैं, नाम थोड़ा सा सब जान लें। मेरा नाम की ममता है, ममता से नहीं। मैं यहाँ वैसे तो भगवान की सेविका हूँ और कोई मेरी वो है नहीं पहचान, पर जैसे हम जॉब करते हैं तो जॉब में दूसरा यहाँ डाइट में प्रिंसिपल हूँ। अब पहले गुरदासपुर में थी एज ए पी ओ, यहाँ डाइट में प्रिंसिपल हूँ। तो ये हमारा बाहरी होता है, आंतरिक से जो है वो केवल उस परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उसकी हूँ वो मेरे हैं, बस यही मेरी पहचान है, केवल उसकी दासी हूँ। होली का आज दिन है तो भगवान की सखी के रूप में बहुत धन्यवाद।